इस कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जिसे एक बड़े से ड्रैगन ने तबाह कर दिया होता है और गांव के सारे लोगों को मार दिया होता है। लेकिन लियांचो नाम का एक छोटा सा लड़का एक पेड़ के पीछे छिपा होता है। तभी वो ड्रैगन की बड़ी सी रेड आंखें देख लेता है जिससे कि लियांचो डर जाता है और उसी पेड़ के पीछे छिप जाता है। इसके बाद कहानी को हम 15 साल बाद देखते हैं और हमें इस फिल्म में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जो हवा में तैरती है। वहाँ के घर, पहाड़ और खेत हवा में ही होते हैं। इसके बाद हम एक बड़े से महल को देखते हैं जहाँ पर जोई नाम की एक लड़की सिल्वर योद्धा गॉथिक का खेल खेल रही होती है, क्योंकि उसने सिल्वर योद्धा की कहानी सुनी होती है जो कि बहुत बहादुर था और उसने बहुत सारे ड्रैगन्स को मारा था। तभी कमरे में बिस्डू आता है जो कि जोई के अंकल का वफादार होता है। वो जोई को खाना खाने के लिए ले जाता है। इसके बाद हम जोई के अंकल अर्नोल को देखते हैं जो कि अंधा होता है। तभी अर्नोल बिस्डू से पूछता है क्या हमारे सिपाही वापस आ गए, जिस पर बिस्डू कहता है कि हमारा एक भी सिपाही वापस नहीं आया है। असल में अर्नोल ने अपने सिपाहियों को वर्ल्ड गॉबलर नाम के एक ड्रैगन को मारने भेजा होता है, क्योंकि वर्ल्ड गॉबलर की वजह से उसके राज्य में बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं जो उनके राज्य को धीरे धीरे नष्ट कर रहे होते हैं। अर्नोल बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके पास में बहुत ही ज्यादा कम सिपाही बचे होते हैं। तभी एक सिपाही अंदर आता है लेकिन तभी वो रेत में बदल जाता है। बिस्डू अर्नोल को बताता है कि हमारा पहरेदार भी अब नहीं रहा। अर्नोल खाना खाते वक्त बिस्डू से कहता है कि काश मेरी भतीजी की जगह कोई एक भतीजा होता और मैं उसे एक ड्रैगन हंटर बना देता। ये सुनकर के जोई कहती है कि अंकल मैं भी एक ड्रैगन हंटर बनना चाहती हूँ, जिस पर उसके अंकल गुस्से में बोलते हैं कि तुम एक लड़की हो और तुम हंटर नहीं बन सकती हो। जोई अपने अंकल के इस बिहेवियर को देख करके गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी महल में खतरे की घंटी बजने लगती है क्योंकि महल की तरफ कुछ मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। तभी अर्नोल महल के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करवाने का आदेश दे देता है। वहीं जोई फैसला करती है कि वो ड्रैगन से लड़ने के लिए महान योद्धा गॉथिक को ढूंढ के लेकर आएगी। इसके बाद में जोई खिड़की से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लियांचो को देखते हैं जो कि एक फार्म में एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और लियांचो एक छोटा मोटा ड्रैगन हंटर होता है जो पैसों के लिए शिकार करता है। लेकिन लियांचो ड्रैगन के सामने कमजोर पड़ रहा होता है। तभी लियांचो का दोस्त हेक्टर उसे लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। उसके साथ में फार्म का मालिक भी होता है जो लियांचो पर हंस रहा होता है क्योंकि लियांचो मॉन्स्टर के सामने एक बच्चे की तरह होता है और वो मॉन्स्टर उससे खेल रहा होता है। तभी लियांचो अपने पेट डॉग को ड्रैगन पर अटैक करने के लिए कहता है। जब डॉग मॉन्स्टर के पैर पर काटता है तभी लियांचो मॉन्स्टर के सिर पर मारता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। इसके बाद में हेक्टर फार्म के मालिक से पैसे मांगता है लेकिन वो पैसे देने से मना कर देता है। वो हेक्टर से कहता है कि लियांचो तो असली ड्रैगन हंटर नहीं है, वो तो एक जोकर है और उसने गलती से ही उस मॉन्स्टर को मार दिया होगा। ये सुनकर के लियांचो और हेक्टर को गुस्सा आने लगता है। तभी लियांचो का पेट अपने मुंह से आग निकालता है। ये देख करके फार्म का मालिक डर करके भाग जाता है। अब लियांचो, हेक्टर और उसका पेट एक साथ में बैठे होते हैं और लियांचो अपने लिए कपड़ा बुन रहा होता है क्योंकि लड़ाई के दौरान उसके कपड़े फट गए होते हैं और लियांचो को बुनाई उसकी माँ ने सिखाई होती है। तभी हेक्टर लियांचो पर गुस्सा होता है। वो लियांचो से कहता है क्या तुम सीरियस होकर के नहीं लड़ सकते थे, तुम जोकर की तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर लियांचो कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी हेक्टर लियांचो से कहता है कि तुम्हें असाधारण बनना होगा, तभी लोग हमसे डरेंगे। वो लियांचो से कहता है कि तुम बूढ़ी औरत की तरह हमेशा ही बुनाई करते रहते हो। ये सुनकर के लियांचो को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर बैठ करके अपनी माँ को याद करने लगता है। वो अपने बचपन को देखता है जब ड्रैगन ने उसके गाँव को तबाह कर दिया था जिसमें उसकी माँ की भी मौत हो गई थी। लियांचो के पास में उसकी माँ की बुनाई वाली स्टिक होती है जो उनकी आखिरी निशानी होती है। तभी लियांचो के पास में हेक्टर आता है और वो लियांचो से माफी मांगता है, जिसके बाद में हेक्टर लियांचो से कहता है कि हमारे पास भी एक दिन बड़ा सा फार्म होगा और एक बड़ा सा घर होगा। तभी लियांचो हेक्टर से कहता है कि हम उस फार्म में भेड़े पालेंगे जिससे कि हमें बहुत सारी ऊन मिलेगी। अब दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लियांचो तुरंत ही आवाज को फॉलो करते हुए जाने लगता है और वो लड़की और कोई नहीं जोई होती है, जिसके पीछे तो इलेक्ट्रिक छिपकली पड़ी होती है। अब वो छिपकली जोई को मारने वाली होती है। तभी वहां पर लियांचो आ जाता है और वो अपनी बुनाई वाली स्टिक से दोनों छिपकलियों पर अटैक कर देता है जिससे दोनों छिपकलियां मर जाती हैं। जोई लियांचो को छिपकली मारता देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो लियांचो को सिल्वर योद्धा समझने लगती है। तभी हेक्टर वहां पर आ जाता है। वो जोई से कहता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम्हें हमें सिक्के देने होंगे। इस पर जोई कहती है कि उसके पास में कोई सिक्के नहीं है लेकिन मेरे अंकल बहुत ही ज्यादा अमीर
है। अगर तुम उनका एक काम करोगे तो तुम्हें बहुत सारे सिक्के मिल जाएंगे। सिक्कों का नाम सुनते ही हेक्टर के मन में लालच आ जाता है और वो जोई के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में जोई लियांचो और हेक्टर को लेकर के महल में आ जाती है। वो अपने अंकल से कहती है कि वो सिल्वर युद्ध गौथिक को लेकर आई है तो ड्रैगन को हरा करके हम सबको बचा लेगा। जिसके बाद में अंकल आर्नोल लियांचो के शरीर को छूकर देखता है। वो लियांचो से कहता है कि तुम्हारा शरीर बहुत बड़ा है, तुम बहुत ही ज़्यादा भारी भी होगे, इसका मतलब तुम एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत योद्धा हो। इसके बाद में आर्नोल सबको लेकर के एक रूम में जाता है जहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग होती है और उसमें एक बड़ा सा ड्रैगन बना होता है। आर्नोल सबको बताता है कि ये वर्ल्ड गॉब्लर है जो जल्दी जागने वाला है, अगर वो जाग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हें वर्ल्ड गॉब्लर के जागने से पहले उसे खत्म करना होगा। आर्नोल हेक्टर को बताता है कि गॉब्लर की गुफा दुनिया के आखिरी छोर पर है। वो बताता है कि जब तुम गॉब्लर को मार दोगे तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और मैं तुम्हें वर्ल्ड गॉब्लर को मारने के बदले में बहुत सारे सिक्के दूंगा। तभी हेक्टर आर्नोल से कहता है कि हमें एडवांस में कुछ सिक्के की पोटली चाहिए जो हमें हमारे रास्ते में काम आएंगी। जिसके बाद में आर्नोल उसे सिक्के की पोटली दे देता है। तभी महल पर रेड बैट्स अटैक कर देते हैं। जिसके बाद में आर्नोल का वफादार विजडू लियांचो और हेक्टर को एक खुफिया रास्ते से महल से बाहर भेज देता है। तभी हेक्टर लियांचो से कहता है कि अब हम ड्रैगन को मारने नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और वैसे ही हमारे पास अब सिक्के की एक पोटली इससे हम एक फार्म तो खरीद ही सकते हैं। तभी लियांचो कहता है कि ये तो गलत बात है, लेकिन हेक्टर उसकी बात नहीं सुनता है। तभी जोई भी वहाँ पर आ जाती है, वो भी उनके साथ में जाना चाहती है। हेक्टर जोई से कहता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है तो मैं अपने अंकल के साथ में यहीं पर रहना चाहिए। तभी जोई झूठ बोलती है, वो कहती है कि मेरे अंकल ने ही मुझे भेजा है, अगर तुम मुझे अपने साथ में नहीं ले जाओगे तो मेरे अंकल तुम्हें अपने जादू से मुर्गा बना देंगे। ये सुनकर के हेक्टर डर जाता है और वो जोई को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में तीनों गॉब्लर की खोज में निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन पर बहुत सारे बैट्स अटैक कर देते हैं। तभी वो बैट्स एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। ये देखकर के सब डर जाते हैं। तभी लियांचो जोई को लेकर के छिप जाता है और हेक्टर डॉग के साथ में छिप जाता है। इसके बाद में वो मॉन्स्टर चला जाता है। अब रास्ते में जोई लियांचो से पूछती है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो। वो कहती है कि तुम तो सिल्वर युद्धक गौथिक से भी महान हो। लेकिन हेक्टर जोई की इस बकबक से परेशान हो रहा होता है। अब तीनों एक रात में एक जगह पर रुकते हैं। तभी हेक्टर लियांचो से चुपके से कहता है कि जब जोई सो जाएगी तब हम उसे छोड़ करके चले जाएंगे। जिस पर लियांचो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन हेक्टर उसकी बात नहीं सुनता है। अब जोई सोने से पहले एक कहानी सुनना चाहती है, जिसके बाद में हेक्टर जोई को कहानी सुनाने लगता है और वो कहानी सुनकर के जोई सो जाती है। तभी लियांचो भी सोने का नाटक करने लगता है और वो नहीं उठता है। अगली सुबह हेक्टर लियांचो से कहता है कि तुम रात में क्यों नहीं उठे। इस पर लियांचो बता देता है कि वो सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि वो जोई को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था। ये सुनकर के हेक्टर को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो तीनों आगे के सफर पर निकल जाते हैं और कई दिनों के सफर के बाद में वो दुनिया के आखिरी गाँव तक पहुँच जाते हैं और इस गाँव से थोड़ी दूरी वर्ल्ड गॉब्लर की गुफा होती है। अब लियांचो को वो गांव बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी हेक्टर उसके पास आता है और वो लियांचो से कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। तभी लियांचो एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी हेक्टर जोर से चिल्लाकर कहता है हाँ वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी उसकी चीख से उस पेड़ पर बैठे हुए रेड बैट्स जाग जाते हैं और वो गाँव की तरफ आने लगते हैं। ये देख करके सब डर जाते हैं। इसके बाद में वो बैट्स उन सब पर अटैक कर देते हैं। लियांचो खुद को एक घर में छिपा लेता है और जोई भी एक पॉट में जाकर के छिप जाती है। वहीं हेक्टर के पीछे बैट्स पड़े होते हैं। तभी लियांचो उन बैट्स को अपने पीछे लगा लेता है और उन्हें एक कमरे में ले जाकर के बंद कर देता है। तभी बाहर मौजूद बैट्स फिर से मॉन्स्टर बन जाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर का सिर कमरे में होता है। तभी वो अपना सिर लेने के लिए कमरे की तरफ जाने लगता है और वो कमरे के ऊपर कूद जाता है, जिससे कि सारे बैट्स आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद में लियांचो हेक्टर और जोई ड्रैगन के खराटों की आवाज़ को सुनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। तभी हेक्टर लियांचो से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम ड्रैगन को नहीं हरा सकते। तभी लियांचो कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उसे हराना ही होगा क्योंकि जोई हमें एक योद्धा समझती है और मैं उसके इस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हेक्टर के लिए मना कर देता है। तभी गांव के नीचे उन्हें एक लाल रोशनी दिखाई देती है और वो गॉब्लर के मॉन्स्टर्स होते हैं जो गांव को तबाह करते हैं। वो उन सब पर भी अटैक कर देते हैं। तभी लियांचो बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ने लगता है। तभी जोई हेक्टर और उसके डॉग के ऊपर एक बड़े से घर का टुकड़ा गिर जाता है, जिससे कि सब बेहोश हो जाते हैं। जब हेक्टर को होश आता है तो वो देखता है कि लियांचो उसके पास है, लेकिन जोई उसे दिखाई नहीं देती है। वो जोई के लिए परेशान होने लगता है। हेक्टर जोई को आवाज़ दे करके बुलाने लगता है। तभी उनका डॉग दोनों
दोनों को लेकर के जोई के पास जाता है। जोई धरती पर पड़ी होती है। वो हेक्टर से कहती है शायद मेरे पैर टूट गए हैं। ये सुनकर के हेक्टर रोने लगता है। तभी जोई कहती है कि शायद मैं मरने वाली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद में तुम दोनों गॉब्लर को मार दो। वो हेक्टर से वादा लेती है कि वो लियांचो का साथ देगा। हेक्टर इसके लिए हाँ कर देता है। तभी जोई उठ जाती है और वो बिल्कुल ठीक होती है, और उसने ये नाटक हेक्टर को अपने साथ रखने के लिए किया होता है। तभी हेक्टर कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। तभी जोई कहती है कि इससे ये तो पता चल गया कि तुम मेरी फिक्र करते हो और मुझसे प्यार करते हो लेकिन छिपाते हो। तभी हेक्टर कहता है कि बहुत हुआ मजाक, अब हम उस गॉब्लर को मारेंगे। इसके बाद में सभी गॉब्लर की गुफा के बाहर आ जाते हैं। तभी उसकी गुफा के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है जिसकी वजह से गॉब्लर जाग जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। हेक्टर, जोई और लियांचो उसके सामने बच्चे की तरह होते हैं। वो सब गॉब्लर से डर करके छिप जाते हैं। तभी गॉब्लर हर चीज को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी जोई लियांचो को गॉब्लर से लड़ने के लिए कहती है, लेकिन लियांचो डर रहा होता है। तभी गॉब्लर जोई और हेक्टर को अपने अंदर निगलने वाला होता है, लेकिन हेक्टर गॉब्लर के बड़े से दांतों को पकड़ लेता है। ये देख करके लियांचो डर जाता है। इसके बाद में लियांचो गॉब्लर की आंखों को देखता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी माँ की बुनाई वाली स्टिक ले लेता है और उन्हें गॉब्लर की दोनों आंखों में फेंक देता है, जिससे गॉब्लर कमजोर होने लगता है। इसके बाद हेक्टर जोई को लेकर के नीचे आ जाता है। तभी अचानक से गॉब्लर की आंखों में ब्लास्ट होने लगता है और वो मर जाता है। उसके मरते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सारे गांव और फार्म ठीक हो जाते हैं। चारों तरफ हरियाली होती है। ये देख करके जोई बहुत खुश होती है। वहीं अर्नोल की आंखें भी ठीक हो जाती हैं। इसके बाद में हेक्टर और लियांचो अर्नोल के महल जाते हैं और उससे अपने बाकी के सिक्के मांगते हैं। तभी अर्नोल कहता है कि तुमने गॉब्लर को नहीं मारा है क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। वो उन्हें बेवकूफ बनाने लगता है। हेक्टर समझ जाता है कि अर्नोल धोखेबाज और लालची है, इसलिए वो दोनों उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि जोई को महल में ही रहना होगा। अगर वो अर्नोल से लड़ाई करेंगे तो शायद अर्नोल उनका गुस्सा जोई पर निकाल सकता है। अब दोनों महल से जाने लगते हैं। वो जोई को मिस कर रहे होते हैं। हेक्टर लियांचो से कहता है कि शायद हम अब जोई से कभी नहीं मिल पाएंगे। तभी उनके पीछे पीछे जोई भी आ जाती है। वो अपने साथ में बहुत सारे सिक्कों से भरा बैग लाई होती है, जिसे देख करके हेक्टर और लियांचो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद में जोई भी उन्हीं के साथ में रहने का फैसला करती है। इसके बाद में हेक्टर और लियांचो उन सिक्कों की मदद से एक फार्म को खरीद लेते हैं और वहां पर भेड़ों को पालना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।